दोस्तों, आपको दुबई में हैवी ट्रक या फिर ट्रेलर का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी एलिजिबिलिटी रूल क्या हैं, और लाइसेंस लेने में लगभग कितना खर्चा आने वाला है, और लाइसेंस लेने के बाद अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, और आपको क्या क्या काम करने होंगे, इस सब के बारे में दोस्तों अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यूई गवर्नमेंट ने हैवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस को रखा हुआ है कैटेगरी नंबर 4 में, और ये 4 नंबर कैटेगरी का लाइसेंस लेने के बाद आप यहाँ पर चला सकते हैं कोई भी हैवी ट्रक, जिसको हम इंडिया पाकिस्तान में बोलते हैं 10-11 गाड़ी, या फिर 7-टन ट्रक, 10-टन ट्रक, या फिर कोई भी ट्रेलर, या फिर कोई भी रिकवरी गाड़ी, इस तरीके की गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हो अगर आप 4 नंबर की कैटेगरी का लाइसेंस ले लेते हो तब। और इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन कुछ चाहिए, तो सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी रूल होती है, आपकी एज होनी चाहिए 20 इयर्स, यानी 20 इयर्स से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है, आपको एक रेजिडेंस वीज़ा होल्डर होना चाहिए, या फिर कोई भी वहाँ का लोकल या इमिरेटी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरे केस में होता है दोस्तों, आपको एक आई टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि किसी भी DHA अप्रूव्ड हॉस्पिटल से लेना होगा, यानी कि दुबई हेल्थ एंड अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव किया हुआ हॉस्पिटल, वहाँ से आपको आई टेस्ट कराना होगा, और इस आई टेस्ट को भी आपको सबमिट करना होगा। बात करते हैं दोस्तों इसकी डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जमा करनी होगी, उसके बाद आपको एक रेजिडेंस वीज़ा जो होता है, रेजिडेंस वीज़ा की फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पर लगानी होगी, आपकी इमिरेट्स ID की दोनों साइड की फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पर लगानी होगी, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगे, आपने जो आई टेस्ट कराया हुआ है उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर सबमिट करनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, इस नो ऑब्जेक्शन NOC लेटर को भी आपको सबमिट करना होगा, प्रीवियस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी कुछ क्लासेस माफ़ हो सकती हैं, और आपका लाइसेंस की जो इस्टीमेशन है ना, वो थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी कि आपकी कॉस्ट भी कम हो सकती है कुछ क्लासेस माफ़ होने के बाद। बात करते हैं दोस्तों इसके खर्चे के बारे में, तो लगभग 9,700 इसका एक इस्टीमेशन आ जाता है, यानी कि एक एवरेज कॉस्ट आ जाती है। ये डेटा जो लिया है वो मैंने दुबई ड्राइविंग सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, और यहाँ पर कुछ मेरा पर्सनल फिजिकल एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि मैंने भी ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ, तो लगभग जो है खर्चा इतना ही आने वाला है अगर आप सारे ही टेस्ट पास कर लेते हो फर्स्ट टाइम में तो, और अगर आप किसी भी टेस्ट में फेल होते हो तो एडिशनल क्लासेस आपको बुक करनी होंगी, और आपको दोबारा से टेस्ट फी भी देनी होगी, तो आपका खर्चा बढ़ता जाता है। अगर आप यहाँ पर कोई प्रीवियस लेसन शो कर देते हो तो यहाँ पर आपकी कुछ क्लासेस भी माफ़ हो जाती हैं, तो ये भी आपका खर्चा कम हो सकता है, ये डिपेंड करता है काफ़ी हद तक आपके ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंडर, इस लेसन के अंडर आपको काम क्या क्या करने होंगे, तो अगर आपने लाइसेंस लिया है किसी रिकवरी गाड़ी को चलाने के लिए, तो आप सिंपली आप समझ सकते हैं किसी भी एक्सीडेंट गाड़ी को या डैमेज गाड़ी को गैरेज तक पहुँचाना, या फिर गैरेज से वेयर हाउस या फिर ऑफिस में पहुँचाना, ये आपका काम होगा। और अगर आपके पास 10-टन या फिर 7-टन गाड़ी है, तो अक्सर इसकी रिक्वायरमेंट होती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, और यहाँ पर बड़ी कंपनी का सामान अपने वेयर हाउस से दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुँचाना, इस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आप किसी दूसरे तरीके की गाड़ी चलाना चाहते हैं, या फिर यानी पानी वाली गाड़ियाँ होती हैं, गारबेज वाली गाड़ियाँ होती हैं, या फिर वेस्ट वाटर कलेक्शन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, इस तरीके की गाड़ी चलाना चाहते हैं, यानी ट्रेलर जिसको कहते हैं वो चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको उसी टाइप के काम भी करने होंगे। दोस्तों बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में, अगर आप किसी कंपनी के अंडर ये सब काम करते हैं, यानी कंपनी का सामान दूसरी जगह लेके जाते हैं, साइट पे लेके जाते हैं, साइट से वर्कशॉप लेकर आते हैं, इस तरीके का अगर आप काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर 3,000 से लेके 4,000 बहुत ही आराम से मिनिमम सैलरी एक फ्रेशर ड्राइवर को यहाँ पर मिल जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी भी यहाँ पर बढ़ सकती है, 4,000 से लेकर 4,500, 5,000, 6,000 दिरहम तक आपको सैलरी यहाँ पर 4 नंबर लाइसेंस में मिल सकती है। तो ये तो था दोस्तों सारी ही इन्फॉर्मेशन, सारी ही नॉलेज एक हैवी ट्रक या फिर ट्रेलर का लाइसेंस लेने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे लाइसेंस मिलेगा, कितना खर्चा आ जाएगा, उस सब के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।